हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को एक कहानी के माध्यम से एक सीख देना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर देश में कोई ऐसी महामारी आ जाए तो ऐसे समय में सबका कर्तव्य बनता है कि सब लोग मिल करके पूरे देश का साथ दें और अपने देश को महामारी से बचाएं। दोस्तों, अगर इसमें कोई ऐसे हैं जो कि साथ नहीं देना चाहते हैं या लापरवाही करते हैं, तो ऐसे लोग आप इटली से या अमेरिका से सीख ले सकते हैं। जैसा कि वहाँ पे देख रहे हैं कि इस समय अमेरिका की सबसे बुरी हालत बनी हुई है, लापरवाही की वजह से लोग न माने, तो इसका आज भुगतान उनके सामने है कि सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। दोस्तों, हमारे देश में अगर लॉकडाउन किया गया तो इस महामारी को देख करके किया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर फैल जाता तो बचा पाना मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और हमारा राजा हो या मंत्री हो, कोई भी हो, कभी ऐसा नहीं सोचता कि हमारे जनता का अनहित हो, हमारी जनता मरे, भुखमरी से मरे और बीमारी से मरे। वे हमेशा अपने जनता के लिए सोचती है, भले उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, लेकिन फिर भी अपनी जनता के लिए हर प्रयत्न कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी लॉकडाउन किया। इसमें सबका कर्तव्य बनता है कि सब लोग मिल करके साथ दें, सहयोग दें और अपने घरों में बैठ करके जैसे कहते हैं वैसे रहें। किसी प्रकार की समस्या होती है तो उन्होंने सारी सुविधाएं दिया है और आपको बचाने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी के माध्यम से। पहले मैं कहानी आपको सुना देता हूँ कि एक बार एक राज्य में इसी तरह से जैसे कोरोना की महामारी फैली हुई है, उस राज्य में महामारी फैल गई। वहाँ का राजा जो है बहुत परेशान हो गया। चारों तरफ जो है लोग मरने लगे। राजा इस महामारी को रोकने का लाखों उपाय किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, बहुत परेशान हो गया। तो अचानक एक ऐसा जो है आकाशवाणी हुआ जिसमें आसमान से आवाज़ आई, राजा तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के सारे लोग अपने घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालें तो अगली सुबह महामारी समाप्त हो जाएगी। राजा ने इस आकाशवाणी को सुना और जो है फॉलो किया। उसने यह घोषणा जो है पूरे राज्य में करवा दी कि सभी लोग को अपने घर से एक बाल्टी दूध उस कुएं में डालना है। अगर उस कुएं में सभी लोग उस रात को जो है कि एक एक बाल्टी दूध डालते हैं तो सुबह में महामारी ख़त्म हो जाएगी, लोग जो मर रहे हैं उनका मरना बंद हो जाएगा। राजा ने ऐसा संदेश पूरे जो है देश में अपने जो है घोषणा करवा दिया महामारी से बचने के लिए। अमावस्या की रात को सारे लोग जो है कुएं में जा जा करके अपने बाल्टी में भर भर के लोग जो है डालना शुरू कर दिए, दूध डालना शुरू कर दिए। एक बुढ़िया चालाक थी, बहुत कंजूस थी, उसने सोचा कि सारे लोग जो है उस कुएं में दूध डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी ही डाल देती हूँ तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, रात का समय कोई जान भी नहीं पाएगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी में पानी लिया और कुएं में जाकर डाल दिया। अगले दिन सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे जैसे कि पहले मरते थे, कुछ बदलाव नहीं हुआ, महामारी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा को समझ में नहीं आया आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग अभी भी मर रहे हैं। तो उसने जानकारी लेने के लिए उस कुएं के पास जाकर देखा, सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, एक बूंद भी पानी नहीं है। राजा समझ गया इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बता दूं कि इस समाज में ऐसे चालाक लोग हैं कि सोचते हैं कि अगर 10 लोग कर रहे हैं हम नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आया कि अगर सभी लोग दूध डालते हैं मैं एक बाल्टी पानी ही डाल दूंगा तो क्या होगा, यानी कि सभी लोग फॉलो करते हैं, अगर अकेले मैं नहीं फॉलो करूँगा तो क्या होगा। दोस्तों, इसी विचार से महामारी ख़त्म नहीं हुई और आज वही सामने भी देखने को मिल रहा है कि लोग जो है कुछ लोग सोचते हैं कि सभी लोग कर रहे हैं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, महामारी नहीं टलेगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो कोई नहीं फॉलो करेगा। पहले हम अपने आप को फॉलो करें तब दूसरे पर जो है फॉलो करेंगे।
हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे लोग को भी कहेंगे कि नहीं आप ऐसे करिए, ऐसे रहिए। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि आप जो है फॉलो करिए, अगर कहा गया कि घर में रहिए तो घरों में रहिए। कल की मैं बात बता रहा हूँ, 5 अप्रैल को आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रात 9 बजे जो है सबको मोमबत्ती कैंडल टार्च जलानी है। तो बहुत सारे लोग यही सोच करके रह गए कि सभी लोग जलाएंगे, हम नहीं जलाएंगे तो क्या हो जाएगा। मानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बात बता दें, महामारी ऐसी है कि ये नहीं पहचानती है कि आप कितने बड़े हैं, कितने पैसे वाले हैं। यह सबको अपने चपेट में ले लेगी और ऐसे करते करते पता चलेगा कि पूरा राज्य समाप्त हो गया, पूरा देश समाप्त हो गया। तो आप जो है फॉलो करें किसी भी नियम का। कल बहुत सारे लोग दीपक नहीं भी जलाए, ये सोच करके हम नहीं जलाएंगे तो क्या हो गया। बहुत से लोग जो है दीपक जलाए, बहुत से लोग इसका विरोध किए कि इसको जलाने से क्या होगा, बकवास है, तो ये है तो वो है, ये किसी का स्थापना दिवस है, लोग अपनी स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो कहीं ना कहीं इसका जो है साइंटिफिक जो है फायदा रहा होगा, तभी उन्होंने कहा है, क्योंकि वो अपने देश को क्यों गर्त में डालना चाहेंगे। वो बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, वे जान रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर फैल गई तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। जब इटली का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रोने लगा, अमेरिका जैसे बाहुबली देश का ये हाल है कि आज जो है सारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पर डे मर रहे हैं, तो हमारे भारत देश की क्या स्थिति होगी जिस दिन फैल जाएगा। तो दोस्तों मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री अगर जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। कुछ ही दिन की बात है, महामारी टल जाएगी, पूरी ज़िंदगी है कमाने के लिए, घूमने के लिए। बस यही बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग इसका फॉलो करें। नमस्कार।